अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बकरीद स्पेशल शेयर करूंगी मटन नमकीन रोश की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है। ये मटन इतना खस्ता और इतना जूसी बनता है कि आप जब एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना ज़रूर चाहेंगे। बिना किसी ऑयल के बहुत ही हेल्दी डिश है और बहुत ही डिलीशियस ये बनता है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस हेल्दी सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 kg मटन। ये देखिए हमने थोड़े बड़े बड़े पीसेज में ले लिया है। थोड़ी सी हमने इसके साथ नल्ली भी ऐड की है और थोड़ा फैट ऐड किया है, क्योंकि इसमें ऑयल तो जाता नहीं है तो ये फैट के साथ ही बनता है। तो यहाँ हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसमें हम मटन लगाएंगे। आधे पीसेस हम अभी सेट करेंगे इसमें और आधे हम बाकी की चीज़ें डालने के बाद करेंगे। तो ये देखिए, और 1/2 teaspoon हमने इसमें नमक ले लिया है, तो 1/2 नमक हम अभी डालेंगे और आधा बचा हुआ बाद में डालेंगे। तो इसके ऊपर हम और मटन के पीसेस लगा देंगे। इस तरह से हमें सेट कर देना है। तो हमने यहाँ पर 6 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, ये ऐड कर देंगे। 1 प्याज ले लिया हमने मीडियम साइज़ का, ये ऐड कर देना है। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें, इस तरह से मैंने 3 पीसेज में ले लिया है, तो ये ऐड कर देंगे। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 6 से 7 लेंगे हम ये काली मिर्च, तो ये ऐड कर देंगे। 2 टमाटर ले लिए हैं, टमाटर ऐड कर देंगे। और बाकी का जो मटन है वो भी इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम बाकी का बचा हुआ नमक। टोटल 1/2 teaspoon इसमें नमक ऐड हो गया, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ले लिया हमने 1 कप पानी, 240 ml का ये कप है, तो यहाँ मैंने 240 ml पानी ऐड किया है इसमें। और हमने ले लिया है यहाँ पर ये आटा इसको दम लगाने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमें इसको सेट कर देना है आटे को, क्योंकि ये अपने दम में ही बनता है, बाकी के इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं जाते। तो यहाँ हमने इस तरह से आटा सेट कर लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सील कर देना है, अच्छे से कर दें। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कवर कर लिया। 1 घंटे के लिए हमें इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका था ये देखिए। तो अब इसको हम खोल कर देख लेते हैं। एक नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा केयरफुली करें तो, क्योंकि थोड़ा ये गर्म होता है। तो यहाँ पर हमने नाइफ़ से खोल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना है। ये देखिए देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये, और इसमें देखिए यखनी भी थोड़ी बाकी है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना टेस्टी सा ये गलकर तैयार हुआ है, सॉफ्ट एकदम जूसी। और यहाँ पर देखिए मटन ने हड्डियों को भी छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से गल चुका है ये। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा नमकीन रोश बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये। तो आप इस रेसिपी को बकरीद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी नमकीन गोश्त की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।